हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों में। तो लग रही हूँ ना मैं थोड़ी अजीब? यस, ना मैंने काजल लगाया है, ना मैंने आईलाइनर लगाया है, ना मैंने मेकअप किया है। सो दिस इज़ माय प्री मेकअप लुक। सो मोस्ट ऑफ द पीपल लुक लाइक दिस ओनली बिफोर मेकअप। सो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि वाई डोंट यू मेक अ मेकअप वीडियो और एक बिगनर्स मेकअप वीडियो बनाइए और जिसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता हो। चल के जाते हैं और देखते हैं वो थोड़े से आइटम्स में कितना अच्छा लुक आ जाता है। मेकअप करके देखते हैं कि पोस्ट मेकअप लुक कैसा आता है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए ये लुक के लिए। सो मेकअप करने से पहले सबसे पहले फेस वॉश से अच्छे से अपना फेस धो लें, उसके बाद मेकअप स्टार्ट करें। सो मेकअप करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज मेरा मेकअप कर रही है मेरी डॉटर। मैं आपको दिखा दूं द प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़। मोस्टली ये प्रोडक्ट्स मेबेलिन शुगर और लैक्मी के हैं एंड इनसाइड के। सो एंड दे आर इजीली अवेलेबल ऑन अमेजोन। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप पहले फेस वॉश कर लीजिए, जो मैंने कर लिया है, और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपके घर में हो, मेरे पास सेटअपिल है तो मैं इसको अच्छे से लगा लीजिए अपने स्किन के ऊपर। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ ये एक इंटरफेस बना देता है आपके मेकअप और आपके स्किन के बीच में। तो ये मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। इसके बाद मोस्टली प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स प्राइमर लगाते हैं, बट आई डू नॉट पुट प्राइमर। सो इसके बाद हम यूज़ करेंगे कलर करेक्टर। कलर करेक्टर जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं आपके फेस में, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल प्रो का कलर करेक्टर, जो ऑरेंज शेड में है। तो बेसिकली कंसीलर लगाने से पहले आप एक कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन फेयरर है तो पीच शेड आप यूज़ कर सकते हैं, व्हाइटिश है तो आप ऑरेंज शेड यूज़ कर सकते हैं या मरून शेड यूज़ कर सकते हैं। सो नॉट एवरीवन नीड्स अ कलर करेक्टर। अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तभी आपको ज़रूरत है कलर करेक्टर की। तो देखिए ये स्पॉट्स की तरह हमने लगा लिया है अंडर आई के नीचे, और अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो अब दोनों साइड का ब्लेंड हो गया है। धीरे धीरे आपके फिंगर्स को टैप करते हुए इसे ब्लेंड कर दीजिए आईज के पास। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करने जा रहे हैं कंसीलर, और मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर। सो मैंने इसका जो शेड लिया है वो 25 है, और ये परफेक्टली मैच करता है मेरे स्किन टोन से। आपको कंसीलर यूजुअली आपके स्किन टोन से मैच करना चाहिए, या फिर उससे एक शेड लाइटर चलेगा। तो जो कंसीलर है सबसे पहले हम आईज में लगाएंगे, चारों तरफ लगाएंगे। तो पहले इनर आई, आउटर आई और ये जो सर्कल है इस एरिया में लगाएंगे। और फिर अगर आपके फेस पे कहीं पे भी डार्क पैचेस हैं या पिंपल्स हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे लाइंस हैं, मैं यहाँ लगाऊंगी और यहाँ लगाऊंगी, तो जहाँ जहाँ आपको कवर करना है वहाँ पे आप कंसीलर लगा सकते हैं। कंसीलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं एक फाउंडेशन। तो ये जो फाउंडेशन है ये मैं इनसाइड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। सबके पास यूजुअली फाउंडेशन तो घर में होता ही है। और इसके साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ वैसलीन टू गिव अ ग्लोई लुक। ये दो प्रोडक्ट्स मोस्टली सभी के पास होते हैं। फाउंडेशन एंड वैसलीन के साथ हम यूज़ करने वाले हैं ये आइकॉनिक का हाईलाइटर, इट्स अ लिक्विड हाईलाइटर। ये अगर आपके पास हो तो ये बहुत अच्छा ग्लोई लुक देता है। अगर आपके पास ये लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं और सिर्फ वैसलीन और फाउंडेशन को मिक्स करके लगा सकते हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन को ले लेंगे।
तो हमने ये तीनों चीज़ें ले ली हैं, ये है फाउंडेशन, ये है अपना हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर, और ये है वैसलीन। अब इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ग्लोई लुक नहीं चाहिए तो सिंपल फाउंडेशन लेके अपने हाथ पे और स्पॉन्ज से आप स्प्रेड कर सकते हैं आपके फेस पे। तो ये जो मिक्सचर है ऑफ द फाउंडेशन, वैसलीन और लिक्विड हाइलाइटर, उसको हम अपने हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे, ये फोरहेड के पॉइंट्स, चीक बोन्स, नोज और ये चिन पे, और देन वी विल स्प्रेड इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोज एंड चिन पे लगाया है। स्प्रेड करने के लिए आप एक स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं और अ ब्रश। थोड़ा सेटल होने देंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्रॉन्जर, ये शुगर का वुडी वंडर ब्रॉन्जर है, तो ये यूज़ करेंगे आफ्टर पुटिंग द फाउंडेशन। दिस इज़ द शेड ऑफ द ब्रॉन्जर। तो अब हम ब्रॉन्जर लगाएंगे और थ्री की शेप में, फोरहेड से चीक बोन्स और चीक बोन्स से लगाएंगे। तो आफ्टर कोटिंग द ब्रॉन्जर वी विल यूज द ब्लश, एंड ये ब्लश मैं शुगर का यूज़ कर रही हूँ, सैल्मन सुपरस्टार, इसका शेड मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द शेड एंड आई थिंक ये सब स्किन टोन पे अच्छा ही लगेगा। सो ये जो ब्लश है ये आप हायर चीक बोन पे लगाइए, नॉट ऑन द एप्पल्स ऑफ द चीक, बिकॉज अगर आप एप्पल्स ऑफ द चीक पे लगाएंगे तो आपका फेस और राउंड लगेगा। सो फॉर अ सुपर ग्लोई लुक हम यूज़ करेंगे ये वाला जो हाइलाइटर है, लिक्विड हाइलाइटर। अगर आपके पास ड्राई हाइलाइटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो टी जोन, चीक बोन्स एंड चिन। नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ अ स्पॉन्ज। For the simple makeup, eye makeup, I'm going to use the eyebrow pencil. ये Maybelline की eyebrow pencil है और ये dark brown shade में है, और साथ में Lakme iconic kajal and eyeliner. ये बस तीन चीज़ें use करेंगे। So I usually use Lakme iconic का kajal और इसको ना eye में मैं लगा लेती हूँ, and this is my daily routine. अगर मैं makeup नहीं भी कर रही हूँ तो मैं kajal ज़रूर लगाती हूँ। इसके बाद हम लगाएंगे आईब्रो पेंसिल, बिकॉज अगर आपकी आईब्रोज थिक है तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसे लगाने से वो बहुत हाईलाइट हो जाती है। आईब्रो पेंसिल यूज़ करने के बाद हम एक आईब्रो ब्रश से अच्छे से आईब्रोज को शेप अप कर लेंगे। तो द काजल और आईब्रोज हम लगाएंगे लाइनर। अब देखिए मैंने आईलाइनर, काजल और आईब्रो पेंसिल यूज कर ली, तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है फेस, आईज काफ़ी डिफाइंड लग रही हैं। सो फॉर डेली मेकअप लुक मैं मस्कारा और आई शेडो नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आप आई शेडो लगाए तो वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और आफ्टर डूइंग ऑल द मेकअप I put the lipstick and the face powder. So now we are using Maybelline ka powder, compact powder. Eyes ke niche sabse pehle lagaiye aur fir dheere dheere press kariye aapke pure face pe. So finally I'm going to put the lipstick
It's a matte lipstick by Sugar and it is number 1 Browning Glory. I do not use a lip liner. So friends, ये है मेरी final look. So बाल खोली है, earrings पहन ली है और this is how I look after the makeup. और जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एंड दे आर वेरी ईजीली अवेलेबल ऑन अमेजोन और नायका. तो ये प्रोडक्ट्स आप आराम से खरीद सकते हैं. तो ज़रूर बताइएगा कि ये एक सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा. इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मैंने यूज़ नहीं की हैं, सिंपल थिंग्स विच आर एट होम. ये सिंपल मेकअप लुक कोई भी कर सकता है आराम से. आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो. दिस वीडियो इज़ totally for my subscribers and my YouTube family because उन्होंने बोला था मुझे वीडियो बनाने के लिए and I will be back with many more exciting videos. Keep connected with me. Those of you who have not subscribed, please do subscribe to keep me motivated. So till we meet again, stay happy, stay safe and stay blessed at home.